बड़ी खबर लखनऊ से है। नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोल कर दिया है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है और कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। तो ये महासम्मेलन चल रहा है शिक्षा मित्रों का, नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोल कर दिया है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है और कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोल कर दिया है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है, कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ के रमाबाई मैदान में जो शिक्षा मित्र हैं वो पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनका महासम्मेलन चल रहा है और मांग सीधी सी है कि नियमितीकरण किया जाए इनका। और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर ही ये शिक्षा मित्र पहुंचे हैं लखनऊ रमाबाई मैदान में। शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन चल रहा है, नियमितीकरण के साथ ही साथ कुछ और मांगे हैं जिसको लेकर ये सभी शिक्षा मित्र जो प्रदेश भर से आए हैं इनका धरना चल रहा है। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरार आ गई है। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार आ गई। हाईवे पर कई नई जगहों पर दरारें आई हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें आई हैं और SBI शाखा के सामने भी दरारें देखी गई। चुनार गांव जाने वाले रास्ते पर भी दरारें आ गई हैं। मारवाड़ी पुल के 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें बन गई हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये अच्छी खबर नहीं है जोशीमठ के लिहाज से, क्योंकि कुछ नई जगहों पर दरारें और गहरे गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरार बन गई है और हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में ये दरारें जगह जगह देखी जा रही। कई जगहों पर बहुत चौड़ी है ये हाईवे, पर कई जगह पर ये दरारें हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा भी आया है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं, रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें आ गई हैं और SBI शाखा के सामने भी दरारें बन गई हैं। तो आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं, ये भारी भरकम और बड़ी दरारें हैं और चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि जोशीमठ तो पहले ही संकट में है लेकिन अब कुछ नए इलाके चिन्हित हुए हैं जहां पर ये दरारें आई हैं और इन दरारों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तो हाईवे पर कई नई जगहों पर दरारें हैं और रेलवे गेस्ट हाउस के पास सभी दरारें बनी हैं। 10 किलोमीटर का जो दायरा है उस 10 किलोमीटर के दायरे में ये दरारें बनी हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा आया है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं और रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें बन गई हैं। तो आपदा के चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा भी आया है, दरारों ने चिंता बढ़ा दी है। SBI शाखा के सामने आई है और 10 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर दरारें देखी जा रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।